नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। देश में कोरोना संक्रमण के मामले में जरूर कमी आई है, लेकिन इसकी वजह से हो रही जान गंवाने वालों की संख्या भी डरा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,774 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान संक्रमण के 621 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक कोरोना संक्रमण की वजह से देश में 4,68,554 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,45,72,523 पर पहुंच गई है। जहां एक तरफ उत्तर भारत में ठंड शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में बारिश का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार 1 दिसंबर तक भारत के 8 राज्यों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लंबी दूरी की ट्रेन के मुसाफिरों को फिर से गर्मा गर्म खाना मिलेगा। अब इन्हें पैक्ड फूड की जगह किचन में पकाया हुआ ताजा खाना परोसा जाएगा। एसी फर्स्ट के यात्रियों को तवे वाली गर्मा गर्म रोटी भी दी जाएगी। कोविड की वजह से ट्रेनों में मिलने वाले खाने को बंद कर दिया गया था, जिसे रविवार से फिर से शुरू किया जा रहा है। साउथ अफ्रीका में पाया गया कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कर्नाटक से एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल कर्नाटक में विदेश से आने वाले यात्रियों में से 2 दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस खबर ने कर्नाटक समेत पूरे देश की नींद उड़ा दी है। दोनों संक्रमितों के सैंपल की जांच के लिए भेज दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को कहा कि यह न्यायाधीशों का दायित्व है कि वो अदालत कक्षों में अपनी बात कहने में अत्यधिक विवेक का प्रयोग करें, क्योंकि अविवेकी टिप्पणी भले ही अच्छे इरादे से की गई हो, वो न्यायपालिका के महत्व को कम करने वाली संदिग्ध व्याख्याओं को जगह देती है। ड्रग्स या फिर नशीली दवाओं की गिरफ्त में फंसे लोगों को फिलहाल इससे बाहर निकालने के लिए सरकार अब किसी तरह की सख्ती के बजाय सहानुभूति के पक्ष में है। यही वजह है कि अब इससे जुड़े कानून में बदलाव की तैयारी है। लोगों के पास अपने खुद के इस्तेमाल के लिए यदि सीमित मात्रा में ड्रग्स या नशीली दवाएं मिलती है, तो उनके ऊपर अपराधियों जैसा कोई मामला दर्ज नहीं होगा, न ही उन्हें जेल होगी। उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय संविधान दिवस कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कोविंद ने कहा कि भारतीय परंपरा में न्यायाधीशों की कल्पना स्थित प्रज्ञ के समान शुद्ध और तटस्थ आदर्श के रूप में की जाती है। केंद्र सरकार 3 केंद्रीय कृषि कानून को निरस्त करने संबंधी विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन यानी कि कल सोमवार को लोकसभा में पेश करेगी। लोकसभा की सोमवार की कार्यसूची में इसे सूचीबद्ध कर दिया गया है। बिहार में जहरीली शराब से 50 से अधिक लोगों की जान जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर शराबबंदी को सख्ती से लागू करने की कवायद तेज कर दी है। इसी कड़ी में 16 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की थी, जिसमें अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए थे। वहीं सभी सरकारी कर्मियों को नशा मुक्ति को लेकर शपथ भी दिलाई गई थी। बिहार में भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ निगरानी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को रोहतास जिले के सासाराम के भू अर्जन पदाधिकारी और प्रभारी निगम आयुक्त राजेश कुमार गुप्ता के ठिकानों पर छापेमारी की गई। पटना के आनंदपुरी इलाके में स्थित सिटी एनक्लेव अपार्टमेंट में उनके फ्लैट नंबर 506 में लगभग 16 लाख रुपए नकद, सोने के 5 बिस्कुट समेत 40 लाख के आभूषण बरामद हुए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार झारखंड की आबादी के बड़े हिस्से को गरीब बताए जाने पर राजनीति शुरू हो गई है। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक की लिस्ट में बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब 3 राज्यों के रूप में सामने आए हैं। युगांडा सरकार ने कर्ज चुकाने में विफल रहने के कारण अपना प्रमुख हवाई अड्डा चीन के हाथों गंवा दिया है। अफ्रीकी मीडिया की रिपोर्ट में यह जानकारी मिली है। टुडे की रिपोर्ट के अनुसार सरकार चीन के साथ एक लोन एग्रीमेंट को पूरा करने में विफल रही है, जिसमें उसके एकमात्र हवाई अड्डे को संलग्न करने की चुनौती शर्तें थी। वाराणसी सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बनने जा रहा है। सार्वजनिक परिवहन रोपवे कैंट रेलवे स्टेशन से चर्च स्क्वायर गोदोलिया तक यातायात की भीड़ को कम करने के लिए बनाया जा रहा है। रोपवे से 4.2 किलोमीटर का सफर महज 15 मिनट में तय किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि दिसंबर महीने नेवी डे और आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे भी देश मनाता है। हम सबको मालूम है कि 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध का स्वर्णिम जयंती वर्ष भी मनाया जा रहा है। मैं इन सभी अवसरों पर देश के सुरक्षा बलों का स्मरण करता हूं, हमारे वीरों का स्मरण करता हूं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मुझे सत्ता में रहने का लोभ नहीं है, बल्कि मैं हमेशा सेवा में रहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ देश की जनता का सेवक हूं और प्रधानमंत्री पद देश सेवा के लिए होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को बेगूसराय जिला अंतर्गत बरौनी पहुंचे, जहां उन्होंने बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 2 के 500 मेगावाट का लोकार्पण किया। इसी दौरान उन्होंने बिजली से लेकर कोरोना वैक्सीन तक पर बातें की। उन्होंने बहुत दिनों से बेगूसराय नहीं आने पर भी अफसोस जताया। अपने रेल मंत्री काल में भी उन्होंने याद किया है। साथ ही उन्होंने अपने वक्तव्यों के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, पूर्व मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस तक को याद किया है।
लगातार महंगाई से जूझ रही आम जनता को दिसंबर में थोड़ी बहुत राहत मिलने के आसार है। खबरों के मुताबिक 1 दिसंबर से एलपीजी सिलेंडर के दाम में भारी गिरावट आने की संभावना है, क्योंकि इस बार क्रूड ऑयल के दाम में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि यह 2020 अप्रैल के बाद सबसे बड़ी गिरावट है, जिसके बाद पेट्रोल मंत्रालय ने गैस सिलेंडर की कीमत घटाने के लिए योजना बनानी शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को घोषणा की है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान 1 जनवरी 2016 से प्रभावी होगा। हिमाचल की संयुक्त समन्वय समिति को संबोधित करते हुए ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान 1 जनवरी 2016 से प्रभावी होगा। तेल कंपनियों ने पूरे देश में आज पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी किए हैं। हालांकि बिहार में एक बार फिर से दामों में उछाल देखने को मिली है। राजधानी पटना में आज पेट्रोल का रेट 106.81 रुपए प्रति लीटर और डीजल 91.94 रुपए प्रति लीटर है। इससे पहले 27 नवंबर को पटना में पेट्रोल 106.15 रुपए प्रति लीटर और डीजल 91.32 रुपए प्रति लीटर बिका था। राजधानी पटना के गायघाट स्थित मेडाज हॉस्पिटल को बिहार के बेस्ट न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर का अवार्ड मिला है। अस्पताल का यह अवार्ड एशिया टुडे रिसर्च एंड मीडिया द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एशियन हेल्थ केयर समिट एंड अवार्ड समारोह 2021 में दिया गया। उत्तर प्रदेश में आज होने वाली यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। पेपर लीक होने के चलते एग्जाम को पोस्टपोन किया गया। ये एग्जाम दो पारियों में आयोजित होनी थी। इस परीक्षा में करीब 21 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होने वाले थे। बताया जा रहा है कि अब एक महीने के बाद ये परीक्षा नए सिरे से फिर से आयोजित की जाएगी। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन को मिले, यही उनका संकल्प है। और राज्य सरकार ने सार्वभौमिक पेंशन योजना शुरू कर दी है, जिसमें पेंशन के लिए लाभार्थियों की संख्या सीमा समाप्त कर दी गई है। डेटन बोर्ड ऑफ जोनिंग अपील्स ने 129 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत को ध्वस्त करने के शहर प्रशासन के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। ये इमारत कभी राइट बंधुओं की बाइक की पहली दुकान थी। सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार देर रात वाराणसी के बाबा काल भैरव के दर्शन करने पहुंचे। यहां से सीएम का काफिला श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचा, जहां सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ के विधिवत दर्शन और पूजन किया। साथ ही काशी विश्वनाथ धाम निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से दुनिया भर के कई देशों में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना के इस नए वेरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन नाम दिया है, और भारत में भी इसे ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सरकार अलर्ट है। भारत की केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया है। भारत में कितना खतरनाक और असरदार हो सकता है कोरोना का नए वेरिएंट ओमिक्रॉन, इसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि यह भारत के लिए एक वेकअप कॉल यानी लोगों को सतर्क और सावधान करने वाला हो सकता है। दिल्ली में प्रदूषण के चलते कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद हुई तो निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के सामने रोटी का संकट खड़ा हो गया। दिल्ली सरकार ने हवा की गुणवत्ता में सुधार का हवाला देते हुए निर्माण गतिविधियों से रोक हटाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का फैसला उलट दिया और निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। साथ ही साथ दिल्ली सरकार के मुताबिक शनिवार को 2,95,000 निर्माण श्रमिकों के बैंक खाते में 5,000 रुपए इसी के कारण सहायता राशि भेजी गई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना में गैर स्वास्थ्य पदों पर भर्ती की आखिरी तारीख नजदीक है। इस भर्ती में 10वीं पास से लेकर सामान्य ग्रेजुएशन, नर्सिंग, इंजीनियरिंग और लॉ ग्रेजुएट की डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों के लिए भी पदों की व्यवस्था की गई है। जो भी योग्य और इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वो एम्स पटना की आधिकारिक वेबसाइट aimspatna.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन की तारीख 30 नवंबर आखिरी है। टाटा समूह ने अब देश में ही सेमीकंडक्टर का उत्पादन असेंबली और परीक्षण इकाई स्थापित करने की योजना बना ली है। इसके लिए 3 राज्यों से टाटा की बात चल रही है। इस काम में टाटा $300 मिलियन तक निवेश करने की योजना पर काम कर रहा है। देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो से अब लोगों का मोह भंग होता दिख रहा है, क्योंकि सितंबर महीने में 1.90 करोड़ लोगों ने जियो का दामन छोड़ दिया। इस दौरान तीसरी बड़ी कंपनी वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों की संख्या में भी 10.8 लाख घट गई है, जब दूसरी बड़ी कंपनी भारतीय एयरटेल के ग्राहकों की संख्या 2.47 लाख बढ़ गई है। दूरसंचार नियामक ट्राई के सितंबर महीने के टेलीफोन उपभोक्ताओं के जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2021 में रिलायंस जियो के ग्राहकों की संख्या 1,90,00,000 1,618 कम हो गई है। जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के पद पर युवा योग्य आवेदनकर्ताओं से आवेदन जारी किए गए हैं। यदि आपके पास स्नातक डिग्री है तो बिना वक्त गवाए जल्द ही जल्द आप आवेदन भर सकते हैं। आवेदनकर्ताओं को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में इंजीनियरिंग डिग्री में पास होना जरूरी है। ध्यान रहे, आवेदन करने की आखिरी तारीख 2 दिसंबर है।
रेल यात्रा करनी है और रिजर्वेशन नहीं हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे ने नया नियम निकाला है जिसके तहत आप बिना टिकट के भी इंडियन रेलवे में यात्रा कर सकते हैं। अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है, आपको ट्रेन से कहीं जाना है, तो आप सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ सकते हैं। आप बहुत ही आसानी से टिकट चेकर के पास जा करके टिकट बनवा सकते हैं। ये नियम रेलवे ने भी बनाया है, इसके लिए आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेकर तुरंत टीटीई से संपर्क करना होगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है श्याम नंदन कुमार, प्रभात सिंह, प्रभा कुमारी, प्रशांत कुमार, सोनिया कुमारी, दिलशाद आलम, प्रहलाद जोशी, कुश कुमार, कुमार संजय, रवि कुमार, सूरज कुमार, सूर्यकांत सिंह, सोना कुमारी, रामू कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के साथ ही भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय विमानों को बंद कर देना चाहिए या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही, देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।